स्टूडेंट्स, आपने यकीनन अपना पेज रेडी किया होगा। स्टेटमेंट आपके थ्योरम की है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है, जो कॉमे से पहले आता है, ये गिवन है, और कॉमे के बाद या देन वर्ड के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो उसका टू बी प्रूव्ड है, यानी उस हिस्से को हमने प्रूव करना है। तो टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट अगर कहा गया तो इसका मतलब है एक ट्राइंगल हमारे पास पहले होनी चाहिए। ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस साइन आप देख रहे होंगे, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। उसके बाद प्रूव आपने क्या करना है, दे ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब एंगल ए की ऑपोजिट साइड, इसके सामने वाली जो साइड है, ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ऑपोजिट साइड एंगल ए की है बी सी, और एंगल बी की ऑपोजिट साइड ए सी है। तो एंगल ए के नीचे में इसके ऑपोजिट साइड का नाम लिखूंगी, वो है बी सी। बी सी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ऑन एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी। बी सी को ए सी के कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने एंगल सी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्शन भी आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं कि आपने किसी भी रेडियस की कंपास खोल के तो एक आर्क लगानी है, सेंटर सी को लेते हुए आपने किसी भी रेडियस की एक आर्क लगानी है, और फिर इसके एंड पॉइंट से आपने मजीद आर्क्स लगानी है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद आपने इसकी इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते वक्त ख्याल रखना है कि आपने इसको डॉटेड लाइन के जरिए ड्रॉ करना है। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है क्योंकि मैं फ्री हैंड कर रही हूँ, आप लेकिन स्केल से करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट डी यहाँ पे आएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया सी डी कॉमा। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सी डी क्या है। सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। दैट इज, अगर एंगल सी को हमने बाइसेक्ट किया तो इसका मतलब है एंगल सी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और ये दोनों के दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, एंगल वन और एंगल टू। यानी एंगल वन जो है वो एंगल टू के कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमने एंगल को बाइसेक्ट किया है तो दो इक्वल एंगल्स हासिल हुए। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में आपने स्टेटमेंट से लेनी होती है और उसके साथ उनकी रीजंस से लेनी होती हैं। ये रीजंस अनडिफाइंड टर्म्स भी हो सकती हैं और बेसिक अजम्पशंस भी हो सकती हैं। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ट्राइंगल सी डी ए और सी डी बी। आप इसको ए डी सी भी पढ़ सकते हैं, बी डी सी भी पढ़ सकते हैं, सी डी ए भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको इसके एंगल बाइसेक्टर से नाम स्टार्ट कर रही हूँ, सी डी ए इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल सी डी ए। ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है, ये भी आपको पहले बता चुकी हूँ। एंड ट्राइंगल सी डी बी, ये दो आपकी साइड बाई साइड ट्राइंगल्स हैं। इनमें से एंगल सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए और एंगल सी डी बी। अब इनमें से आपने तीन हिस्से जो हैं, थ्री पार्ट्स जो हैं ट्राइंगल के, वो इसमें से सेपरेट करने हैं जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपने गिवन में से हेल्प ले सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में से हेल्प ले सकते हैं, और कुछ बाकी का आपने दिमाग इस्तेमाल करना है। अब इस हिस्से में देखें तो हर ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं। इन 6 पार्ट्स में से तीन पार्ट्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं तो इसका मतलब है उन दोनों ट्राइंगल्स के बाकी के तीन पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही हम अब करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले सी डी ए और एंगल सी डी बी देखें, तो इसमें एंगल ए और एंगल बी जो है ये पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम आसानी से ये बस आपने ज़हन में रखना है कि एंगल ए अगर इस ट्राइंगल में है तो यहीं पर इसका नाम लिखेंगे आप, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। इट वॉज गिवन, रीज़न इसकी है गिवन। उसके बाद जो टू बी प्रूव्ड है, इसको आप कभी भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है, जिस चीज़ को आपने प्रूव करना है वो आप कभी भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ये आपने प्रूव करना है, ये बिल्कुल आखिरी रिजल्ट है।
कंस्ट्रक्शन में से आप ले सकते हैं एंगल वन इज कॉन्ग्रूएंट टू एंगल टू, कंस्ट्रक्शन की थी जिससे हमें पता चला कि एंगल वन और एंगल टू जो है ये इक्वल है, सॉरी ये कंस्ट्रक्शन लिखना है, मैंने कॉमन लिखने जा रही थी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रूएंट हैं। तीसरी चीज़ मैंने कहा था, अपने जहन पे जोर दें, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो तीसरी चीज़ आप गौर से देखें, तो इस दोनों ट्राइंगल्स में सी डी जो है लाइन सेगमेंट ये कॉमन है, जैसे दो कमरों की एक दीवार सेंटर वाली जो होती है कॉमन दीवार होती है, वैसे ही ये भी आप समझ दें इनकी कॉमन वॉल है सी डी, जो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो सी डी इज कॉन्ग्रूएंट टू, यहाँ पे भी देख लें ट्राइंगल में भी तो नाम आ रहा है, सी डी इज कॉन्ग्रूएंट टू सी डी, रीज़न इसकी है कॉमन, यानी ये कॉमन साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स में है। अब तीन पार्ट्स हमने पूरे क्लियर कर दिए हैं कि तीनों कॉन्ग्रूएंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल सी डी ए इज कॉन्ग्रूएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। अब रीज़न इसकी क्या बनी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रूएंट टू उसी ट्राइंगल का भी एंगल एंगल साइड। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रूएंट साबित हो गई हैं तो इससे रिजल्ट ये निकला, ये देयर फोर का साइन है, देयर फोर अगर ये तीनों एलिमेंट्स दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रूएंट हैं, तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर तीन एलिमेंट्स कॉन्ग्रूएंट होंगे तो बाकी के थ्री पार्ट्स भी ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रूएंट ही होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से तीन पार्ट्स हमने किए हैं, ए और बी गिवन था, वन और टू कंस्ट्रक्शन थी और सी डी इसमें कॉमन था। अब बाकी के थ्री पार्ट्स क्या रह गए, ये वाली साइड सी ए रह गई है, सी बी रह गई है, एंगल डी जो कि दोनों साइड्स पे हिस्सा ले रहा है यानी सी डी बी और सी डी ए, और ए डी और बी डी। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि रिजल्ट में बी सी और ए सी को क्लियर करना है, तो हम सिर्फ इस हिस्से की बात करेंगे, ये हिस्सा इसके कॉन्ग्रूएंट है कि ए सी इज कॉन्ग्रूएंट टू बी सी। रीज़न इसकी बनेगी, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रूएंट साबित हो गई हैं तो इसका मतलब है जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि साइड्स हैं दोनों, तो रीज़न इसकी आएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रूएंट ट्राइंगल्स। ये कल भी आपको बताया था कि अगर रीज़न आपकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी हो जाए तो आप उसको दूसरी लाइन में लेकर जा सकते हैं, यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। दैट्स ऑल, इंशाल्लाह ताला कल की मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।